हमारा आज का टॉपिक है शक्ति ग्रह हेतु। शक्ति ग्रह हेतु आठ हैं आपके बताए हुए। सबसे पहले है व्याकरण। शक्ति ग्रह हेतु होता क्या है पहले मैं वो बता देता हूं। आश्रम राशन में ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द है इनकी कितनी शक्ति है उसका ज्ञान होना शक्ति ग्रह हेतु। शब्द की शक्ति का ज्ञान होना, शब्द की शक्ति का ज्ञान होना शक्ति ग्रह हेतु। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कैसी शक्ति भाई है ना। मैं बताता हूं अभी देखो, मैं बोल रहा हूं गुड बेटर बेस्ट, सही है। तीन शब्द हैं ये, गुड बेटर बेस्ट, अच्छा बढ़िया श्रेष्ठ। तो ये सारा बता अच्छा ही रहा है, पर ये रेंज है, ये वन प्लस प्लस, ये प्लस प्लस प्लस। स्टार रेटिंग नहीं देखी तुमने, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, वैसे वैसी शक्ति शब्दों की। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये सबसे अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों की शक्ति होती है, ठीक है। और अच्छे तरह से अगर शब्दों की शक्ति समझनी है तो कुछ लोग अपने फोन में जिससे वो प्यार करते हैं उसका नाम लिखते हैं। जैसे मान लो कोई लिख रहा है आकाश या अंचल लिख दिया, ठीक है। तो कोई ऐसे लिखते हैं आम आदमी, ये भी शब्द हैं। एक्स्ट्रा शक्तिशाली क्या लिखते हैं, जानू सोना बाबू है थोड़े, और कोई लिख देते हैं माई लाइफ। अब आप जिस इंसान से प्यार कर रहे हैं उसका नाम आपने किस नाम से सेव किया। शब्दों की शक्ति देखिए, सामान्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजेंड। तो इसी तरह शब्दों में शक्ति होती है, उसका जो ज्ञान प्राप्त होता है वो होता है शक्ति ग्रह। जिससे शब्द की शक्ति का ज्ञान प्राप्त हो उसको बोलते हैं शक्ति ग्रह। आठ है ये, नंबर वन पे है व्याकरण। अभी आपने देखा ना गुड बेटर बेस्ट, ये वर्ब की तीन फॉर्म है, ठीक है। तो वर्ब क्या होता है, ग्रामर में आता है, ग्रामर व्याकरण होता है। तो व्याकरण से हमें शब्दों की शक्ति का ज्ञान होता है। सिंपल इतना लिख लेना है, हेडिंग डालना है व्याकरण, व्याकरण होता है ग्रामर। एक्चुअल में ग्रामर से ही आपको शब्दों की वैल्यू पता लगता है। अभी गुड बेटर बेस्ट वर्ब की थ्री फॉर्म्स है ना, तो उसी से तो हमें पता चला। और संस्कृत व्याकरण में तो उपसर्ग प्रत्यय कई, वो मैं डीप नहीं जाऊंगा। तुम इतना लिखना शक्ति ग्रह हेतु होता है जिससे शब्दों की शक्ति का ज्ञान होता है, ठीक। पहला होता है व्याकरण, व्याकरण से शब्दों की शक्ति का ज्ञान होता है, इतना लिखिए बस। दूसरे नंबर पे है भाई साहब उपमान। वैसे तो उपमान मैंने डिटेल में कराया है, बट तुम पता नहीं कब इस वीडियो को सुनोगे, मैं एक आइडिया दे देता हूं। अप्रसिद्ध, अप्रसिद्ध होता है जो फेमस नहीं होता है, ठीक है। वस्तु का प्रसिद्ध वस्तु से कंपेयर करना, अप्रसिद्ध वस्तु को प्रसिद्ध वस्तु से कंपेयर करना, दैट वो होता है उपमान। अभी देखिए मसूर की दाल होती है, रेड रेड कलर की मसूर की दाल होती है, सारा मार्कर हरा है रेड होना चाहिए, ठीक है। मसूर की दाल होती है रेड रेड कलर की, पतली पतली, आंटियों को सबको पता होता है, मतलब बड़ी मशहूर है मसूर, मसूर बड़ी मशहूर दाल है, ठीक है। वो होती है दाल, मसूरी का एक बीमारी है, जो रेड रेड रैशेज हो जाते हैं वो मसूरी का एक बीमारी है। तुम पढ़ोगे आयुर्वेदा में आगे जाकर, तो मसूर की दाल मशहूर है भाई, हर घर में महिलाओं को पता है, कई बार जो राशन लाते हैं मेरे जैसे गरीब उनको भी पता है, ठीक है। तो मसूर जो कुछ बड़े कुक टाइप लोग होते हैं उनको भी पता है मसूर की दाल, मसूरी का अप्रसिद्ध, मसूर की दाल प्रसिद्ध। तो मसूरी का हो गया रेड रेड रैशेज, जो आप बीमारी पढ़ेंगे स्किन की प्रॉब्लम, तो मसूरी का को मसूर की दाल से समझना। तो ये एग्जाम्पल है उपमान, मतलब ज्ञान, शब्द का ज्ञान प्राप्त कैसे हो। ये जो शक्ति ग्रह में दो तरह की चीजें मिलेंगी, एक तो आपको शब्द का ज्ञान कैसे होगा और दूसरा शब्द की शक्ति कैसे बढ़ेगी,
ठीक है, तो पहला भी व्याकरण से आपको शब्द का ज्ञान हो रहा था, दूसरा मसूरी का जो एक बीमारी है उसका मसूर की दाल से आप ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि जैसे मसूर की दाल लाल लाल दाने हैं उसके छोटे छोटे, वैसे ही शरीर में भी लाल लाल दाने हो जाते हैं छोटे छोटे, तो मसूरी का। अप्रसिद्ध वस्तु का प्रसिद्ध वस्तु से कंपेयर करके समझना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा व्याकरण एंड उपमान। तीसरा नंबर है भाई आप्त पुरुष, आप्त वाक्य, ठीक है। मान लो आप्त वाक्य से भी शक्ति ग्रह का ज्ञान होता है, लिखने के लिए थ्योरी में आपने इतना लिख देना, आप्त वाक्य से भी शक्ति ग्रह का ज्ञान होता है, आप्त वाक्य से भी शब्दों की शक्ति का ज्ञान होता है, लिखने को थ्योरी इतना नहीं, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं किसी को तू बड़ा महान बल्लेबाज बैट्समैन बनेगा, ठीक है, एक लाइन है। मान लो कोई 17-18 साल का लड़का है जो क्रिकेट खेलता है, उसको अगर उसके दोस्त ये लाइन बोलते हैं तो महान बल्लेबाज बनेगा, मैं या उसका कोई टीचर है मेंटर बोल देता है तू महान बल्लेबाज बनेगा, या द ग्रेट सचिन तेंदुलकर उसकी बैटिंग देख के बोलते हैं बेटा तू तो बड़ा महान बल्लेबाज बनेगा, सचिन बोलेगा। तो भाई साहब कौन से किसके शब्दों में सबसे ज्यादा शक्ति होगी, लड़के को कौन से शब्द सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगेंगे, दोस्तों के मुंह से तू बड़ा महान बल्लेबाज बनेगा सुन के शक्ति आएगी, टीचर के मुंह से तू महान बल्लेबाज बन के सुनेगा शक्ति आएगी, या सचिन तेंदुलकर बोलेगा तो, सचिन तेंदुलकर बोलेगा तो शब्दों में शक्ति नहीं महाशक्ति आदि शक्ति आ जाएगी, क्योंकि भाई सचिन क्रिकेट का आप्त पुरुष है, समझ रहे हो तुम, तो आप्त पुरुष जब वो वाक्य बोलते हैं तो उनमें शक्ति होती है, ठीक है, तो आप्त वाक्य में भी शक्ति होती है। देन फोर्थ है कोश, कोश होता है डिक्शनरी, चौथा पॉइंट होता है डिक्शनरी, और डिक्शनरी में तुम्हें पता है सिनोनिम और एक शब्द के कई सारे मीनिंग बताए होते हैं, तो कोश से हमें पर्यायवाची और सिनोनिम का पता चलता है, पर्यायवाची और सिनोनिम्स का पता चलता है, ठीक है। कोश से हम शब्द के पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोश से पर्यायवाची शब्द का ज्ञान होता है। एग्जाम्पल, अभी मैं तुम्हें अगर बोलूं तुमने धात्री का फल खाया है या देखा है, धात्री का फल देखा है, धात्री या व्यवस्था, धात्री या व्यवस्था का फल देखा है, तुम फर्स्ट ईयर के मासूम बच्चे, तुम गरीबों को क्या बताए यार क्या धात्री क्या व्यवस्थी। बट अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा आमला का नाम सुना है, आमला ब्राह्मी आमला एड सुनते हो टीवी पे तेल की, आमले का नाम सुना है, तुम बोलोगे हाँ भाई आमले का नाम सुना है, तो आमले का नाम तुमने सुना होगा बट धात्री और व्यवस्था का नाम नहीं। तो ये जो धात्री और व्यवस्था शब्द है इसका जो तुम्हें ज्ञान होगा वो होगा कोश या डिक्शनरी से, जब तुम धात्री या व्यवस्था डिक्शनरी में ढूंढोगे तो बोलेगे यार ये आमले का सिनोनिम है, तुम बोलोगे आमले का सिनोनिम, अरे भाई आमला तो मेरे को पता है। तो कोश से पर्यायवाची शब्द का ज्ञान होता है, और पर्यायवाची शब्द के ज्ञान से हमें उसके मूल शब्द का ज्ञान हो जाता है। कोश के आगे आपने दो लाइनें लिखनी है, कोश से पर्यायवाची और सिनोनिम शब्द का ज्ञान हो जाता है, ठीक है, डिक्शनरी में हमें सिनोनिम का पता चलता है, और उस पर्यायवाची शब्द के ज्ञान से हमें ये जो मूल शब्द है जो मेन शब्द जो जिसका तुम्हें ज्ञान है उसका तुम्हें ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह डिक्शनरी हमें शब्दों का ज्ञान देती है, नए नए शब्दों का ज्ञान देती है। शक्ति ग्रह हेतु में शब्दों की शक्ति का ज्ञान जिससे होता है वो चीजें मिलेंगी, और शब्दों का ज्ञान जिससे होता है वो चीजें मिलेंगी, ये दो तरह की चीजें यहां मिल रही हैं जो मुझे समझ आया। तो चार चीजें हमारी होगी, कोश हो गया, अभी पांचवा आता है, क्या था पांचवा अपना, पांचवा आता है आप तो वाक्य कोश हो गया, उपमान हो गया, व्याकरण हो गया, व्यवहार, अगला है हमारा व्यवहार। अभी तुम्हें पता चला कि शक्ति ग्रह का हेतु शब्दों का ज्ञान चलता है, कोश से पता, व्याकरण से पता, अपने आप
तो पुरुष से पता और उपमान से पता, बट कुछ चीजें होती हैं व्यवहार से पता। व्यवहार मतलब ऐसे जनरल पेरेंट्स को देख देख के। अभी मेरा बच्चा अभी छोटा है 2-3 साल का, उसको टीवी क्या होता है ना उसने डिक्शनरी में देखा, ना उसने टीवी का व्याकरण पढ़ा, ना उसको किसी ने बताया कि बेटा टीवी क्या होता है। उसकी माँ मेरी बीवी मेरे को बोलती रहती थी उसके सामने, सुनो जी टीवी लगा दो, सुनो जी टीवी लगा दो, सुनो जी टीवी लगा दो। उसने इतनी बार सुना उसको बोलते हुए टीवी लगाते हुए और मुझे जो टीवी लगाते देखते हुए, अब उसको पता चल गया है अपने आप कि ये जो सामने स्क्रीन है काले रंग की बड़ी सी, ये टीवी है। व्यवहार में सुन सुन के देख देख के ही सीख जाते हैं। अभी आजकल लोग मेरे को बोलते पापा टीवी गाओ, मोगली गाओ पापा, मुझे मोगली पसंद है। ठीक है, तो व्यवहार क्या होता है लिखना क्या है, मैं तुम्हें बुक से बता देता हूँ फिर दिक्कत ना आए तुम्हें। हाँ, अपने से बड़े व्यक्तियों के व्यवहारिक कार्यों को देखकर, अपने से बड़े व्यक्तियों के कार्यों को देखकर, अपने से बड़े व्यक्तियों को कार्यों को देखकर शब्दों के अर्थ का ज्ञान, शब्दों के अर्थ का ज्ञान व्यवहार। ठीक है, ये तुमने लिखना है, अपने से बड़े व्यक्तियों के कार्यों को देखकर शब्दों के अर्थ का ज्ञान प्राप्त करना, वो व्यवहार है। स्टोरी में मैंने तुम्हें सुनाई दी कैसे हमारे बच्चे को टीवी के बारे में पता चला मेरी और मेरी बीवी की डिस्कशन देख। ठीक है, ये तुम्हारा व्यवहार। अभी आगे आता है हमारा वाक्य शेष। वाक्य शेष क्या नंबर है? 5-6 हो गए। वाक्य शेष क्या होता है पहले मैं समझा देता हूं, बुक लिखना क्या है वो तुम्हें बाद में लिखवा दूं। एक पूरा सेंटेंस होता है, ठीक है, एक पूरा सेंटेंस होता है। कई बार क्या होता है ना, आधी बात सुन के तुम्हें पता लगता है समझ गया। अभी बंदा एक लाइन में से मान लो एक लाइन में 5-6 शब्द होते, अभी वो 2-3 शब्द ही बोलता है, तब तक तुम्हें समझ आएगा। दैट इज वाक्य शेष। आधी लाइन सुन के ही जब तुम्हें पूरी लाइन समझ आ जाए, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं तुम्हें बोलता हूं बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, आगे तुम्हें पता लग गया होगा कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। ठीक है, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के आगे ही तुम्हें समझ आ गया होगा, उम्मीदवार बोलने की भी जरूरत नहीं हुई होगी, कि भाई मोदी जी की बात हो रही है। ठीक है, उम्मीदवार मोदी जी होंगे। तो वाक्य शेष क्या है, आधे शब्दों से ही, आधे शब्दों को सुन के ही जब तुम बाधित वाक्य आगे आने वाले वाक्य का मतलब समझ जाओ, तो दैट इज वाक्य शेष। एक और चीज है संनिधि। संनिधि में मैं तुम्हें यही समझा देता हूं, संनिधि पता क्या चीज है, संनिधि वो चीज है, पहले वाक्य शेष एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। वाक्य शेष वो होता है आधा वाक्य सुन के जब तुम्हें आगे आने वाले वाक्य का मतलब खुद पता चल जाए, आधा वाक्य सुन के ही तुम्हें जब ये पता चल जाए कि आगे बाकी जो वाक्य है वो क्या होने वाला, मतलब आधी बात सुन के ही जब तुम्हें पूरी बात समझ आ जाए, दैट इज वाक्य शेष। संनिधि क्या है, बीच में से कोई शब्द गायब है, एक वाक्य है ना, वाक्य है उसमें कई सारे शब्द हैं, इन वाक्यों को समझ के तुम्हें बीच में फिल द वैलेंस होता है ना, फिलिंग द वैलेंस क्या होता है, खाली स्थान को जब भरना होता है, तो उस लाइन को पढ़ के तुम्हें समझ आ जाता है कि इसमें क्या भरना होता है, दैट इज संनिधि। मतलब इन शब्दों के कॉम्बिनेशन से तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये बीच में क्या होने लगा, बीजेपी के --- पद के उम्मीदवार मोदी जी होंगे, तुम्हें समझ आ गया भाई प्रधानमंत्री। ठीक है, हाँ, तो ये संनिधि है। अगर बीच में किसी शब्द का मतलब समझना हो आसपास के शब्दों से, वो है संनिधि। वाक्य आधे वाक्य को आगे वाला जो पूरा वाक्य जब समझना हो तो वो है वाक्य शेष। अब पता नहीं मैं समझा पाया या नहीं, बट पेपर में क्या लिखना है वो मैं लिखवा देता हूं।
वाक्य शेष में क्या है? वाक्य में उपस्थित शब्दों से, वाक्य में उपस्थित शब्दों से अर्थ का ज्ञान प्राप्त करना। वाक्यों में उपस्थित शब्दों से अर्थ का ज्ञान करना, ठीक है? ये वाक्य हुआ पूरा, ठीक है? आधे वाक्य में जो शब्द थे उसी को समझ के आगे आने वाले जो वाक्य के शब्द हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना। आधे वाक्य से ही आगे आने वाले वाक्य के जो शब्द हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना वाक्य शेष है। संनिधि में क्या है? ज्ञात शब्द के साथ रहने पर, ज्ञात शब्द के साथ रहने पर अज्ञात शब्द का ज्ञान होना। वो है आपकी संनिधि। ज्ञात शब्द के साथ रहने पर अज्ञात शब्द का ज्ञान होना, ठीक है? मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स में जब कोई सेंटेंस दिया है, जब वहां बीच में किसी शब्द का मतलब नहीं है, तो उस पूरे वाक्य से आप बीच में जो शब्द का मतलब नहीं है उसका जो मतलब समझ जाते हो वो हमारा संनिधि। ऑनलाइन में ये बड़ी दिक्कत है यार, पूछ ही नहीं सकते किसी को समझाया नहीं। चलो फिर भी मैं रिपीट मार देता हूं। देखो भाई, वाक्य शेष मतलब वाक्य में उपस्थित रहने वाले शब्दों से अर्थ का ज्ञान प्राप्त करना। एक पूरा सेंटेंस है, उसमें से जो आधे शब्द हैं उनको आप समझ रहे हो और बाकी जो आधे शब्द हैं उनका आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। मतलब आधी बात सुन के ही पूरी बात का ज्ञान हो जाए वाक्य शेष। संनिधि क्या है? पूरा वाक्य दिया हुआ है, उसमें से आपको छह शब्द हैं, मान लो छह शब्द हैं, ठीक है? पांच का आपको मतलब पता है, एक का आपको मतलब पता नहीं, तो उन पांचों के मतलब से जो ज्ञात शब्द के साथ रहने पर अज्ञात शब्द का ज्ञान हो, पांच शब्द जो दिए हैं उनसे उनको समझ के आप समझ जाओगे कि छठे शब्द का क्या मतलब। जैसे बीजेपी के डैश डैश पद के उम्मीदवार मोदी जी हैं, ये सारे शब्द तुम्हें पता है। अब एक खाली शब्द तुम्हें नहीं पता है कि किस पद के उम्मीदवार मोदी जी, तो वो तुम्हें समझ आ जाएगा भाई 10 साल से आदमी प्रधानमंत्री है, ठीक है? तो वो है संनिधि। ज्ञात शब्द के साथ रहने पर अज्ञात शब्द का ज्ञान होना संनिधि। वाक्य शेष, वाक्य में उपस्थित शब्दों से अर्थ का ज्ञान प्राप्त करना, दैट इज वाक्य शेष। अब आता है हमारा लास्ट आठवां पॉइंट, वो है विवृति। विवृति क्या है? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जहां शब्द कहने पर उस शब्द का वहां क्या स्पेसिफिक मीनिंग है वो भी बतला, वो बतलाना विवृति। देखो एक शब्द के कई सारे मतलब होते हैं, ठीक है? एक शब्द के कई सारे मतलब होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। पहली लाइन, जहां शब्द कहने पर उस शब्द का वहां क्या स्पेसिफिक मीनिंग है ये बतलाना विवृति है। मैं पहले उदाहरण बता देता हूं फिर इसको समझाता हूं तो बेटर समझ आए। मधु शब्द है, मधु शब्द के अनेक अर्थ हैं, महीना, शहद और मदिरा, मान लो ये अनेक अर्थ हो गए। एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, एग्जाम्पल है मधु शब्द, उसके अनेक अर्थ हैं, मांस भी है, शहद भी है, मदिरा भी। जहां शब्द कहने पर उस शब्द का वहां क्या स्पेसिफिक मीनिंग है वो बतलाना विवृति होती। तो
उदाहरण दिया गया है मधुशाला कविता का, मधुशाला कविता का उदाहरण है, जहां कवि बोल रहा है पाठक गण है पीने वाले, पाठक गण है पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। पाठक गण है पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। मधुशाला कविता की इस लाइन में पाठक गण है पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। तो यहां जो मधु का मतलब है ना, वो महीना है ना शहद है, यहां मधु का मतलब है मदिरा। तो इस कंटेक्स्ट में मधु का क्या स्पेसिफिक मीनिंग है? मदिरा, ये जो बताया गया दैट्स द विवृति। कहां पे किस शब्द का क्या मीनिंग होना है? देखो यहां तो कई भी मीनिंग हो सकता है, मधु भी हो सकता है, मदिरा भी हो सकता है, मांस भी हो सकता है, बट यहां इन्होंने स्पेसिफाई किया कि भाई पाठक गण है पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला, तो यहां मतलब है मदिरा। तो स्पेसिफिक मीनिंग को बतलाना दैट इज विवृति। एक शब्द के अनेक अर्थ, मधु के अनेक अर्थ, जहां शब्द कहने पर उस शब्द का वहां क्या स्पेसिफिक मीनिंग है। मधुशाला में मधुशाला की बात की जा रही है, तो इस मधुशाला में मधु का क्या स्पेसिफिक मीनिंग है? पाठक गण है पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला, तो यहां मधु का स्पेसिफिक मीनिंग है मदिरा। तो ऐसे जब आप स्पेसिफाई करते हो एक शब्द को कि भाई या इस कंटेक्स्ट में इस शब्द का ये स्पेशल मीनिंग, ये स्पेशल ब्यूटी है, स्पेशल शक्ति है इस शब्द की, यहां तीन तीन शक्तियां हैं शब्द की, ये वाली शक्ति, ये वाला मीनिंग यूज हो रहा है, दैट इज विवृति। एक शब्द के अनेक मतलब है, बट कहां उस शब्द का कौन सा मतलब यूज होने वाला है जब आप वो बताते हो, दैट इज विवृति। तो शक्ति ग्रह हेतु हमारे 8 थे, हमने कोशिश किया समझाने का इसको, बाकी आप बता देना समझ आया नहीं आया।